हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम मिरर में। आज जो है हम लोग मैथ का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ से हम लोग आज इस चैप्टर में जानेंगे कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है। और इस एक्सरसाइज में पहले जो है हम लोग जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में, सिर्फ आज इस लेक्चर में हम लोग इससे संबंधित कुछ रूल्स जानेंगे, कुछ नियम जानेंगे। और अगर इस रूल और जो है नियम को अगर हम लोग जान लेते हैं तो जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जानने की आवश्यकता पड़ती है कि कंटिन्यूटी अर्थात जिसे हम लोग हिंदी में सांतत्य कहते हैं, या डिसकंटिन्यूटी जिसे हम लोग असांतत्य कहते हैं, ये होता क्या है। अगर इसे हम लोग जान जाते हैं तो न्यूमेरिकल्स जो होते हैं, इसके जो सवाल होते हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं, वो बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो देखिए क्या होता है कि हमको स्टार्टिंग में कोई ना कोई फंक्शन दिया गया होता है, कोई ना कोई इक्वेशन दिया गया होता है। उस इक्वेशन का कोई ना कोई क्या होता है, एक वक्र होता है, अर्थात कर्व होता है। अगर वह कर्व जो है, देखिए जैसे कि हम लोग परिभाषा में हम लोग जानते हैं कि किसी फंक्शन का ग्राफ खींचने पर, फंक्शन का कोई भी फंक्शन आपको जो गिवेन होगा, जो फंक्शन आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, अगर उसका हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींचने पर किसी विशेष बिंदु के लिए, किसी जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट के लिए, वो क्या होगा, ग्राफ अगर डिसकंटिन्यू नहीं होता है, मतलब ग्राफ कहीं पर ब्रेक नहीं होता है, तो वह फंक्शन जो है उस पॉइंट के लिए, उस बिंदु के लिए क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। उस बिंदु के लिए क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। इसी का जस्ट अपोजिट जो होता है कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ खींचने पर, जो आपको फंक्शन गिवन होगा, अगर उसका ग्राफ खींचने पर प्राप्त जो कर्व आएगा, जो वक्र आएगा, उस विशेष बिंदु पर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो वह फंक्शन क्या हो जाएगा, उस बिंदु के लिए क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ये तो हम लोग समझ चुके हैं कि परिभाषा क्या है। आइए इसका एक्चुअल मतलब समझते हैं कि फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा और कब डिसकंटिन्यूस होगा। ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, फिर आगे चलकर हम लोग लिमिट के माध्यम से भी समझेंगे। तो देखते हैं कि फंक्शन क्या है, कि कंटिन्यूटी क्या होती है। देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन को मानते हैं, कि यहाँ पर एक फंक्शन हम लोग माने, पहला एग्जांपल जैसे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स माना गया है। एफ एक्स इक्वल टू क्या माना गया, एक्स माना गया। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने पर किसी विशेष बिंदु के लिए, अगर यहाँ पर किसी पर यह डिसकंटिन्यू नहीं, मतलब जो ग्राफ आएगा वो ब्रेक नहीं होगा, तो वह फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा कंटिन्यूस हो जाएगा। देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं, हम लोग जानते हैं कि एफ एक्स क्या होता है, वाई भी कहलाता है, तो इसको हम लोग वाई बराबर एक्स भी लिख सकते हैं। अब इसके लिए यहां पर अगर हम लोग ग्राफ खींचने की बात करते हैं, तो पहले एक्स और वाई के बीच हम लोग कुछ वैल्यू रखते हैं। तो देखिए कुछ वैल्यू रखते हैं यहां पर, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अगर हम लोग एक्स का वैल्यू 0 डिनोट करते हैं तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0 आएगी। अगर यहाँ पर इसका वैल्यू 1 रखा जाए तो y का भी वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। अगर x की वैल्यू 2 रखा जाए तो कितना आएगा, y की वैल्यू भी 2 आएगा। अगर x की वैल्यू 2 रखा जाएगा तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, 2 आएगी। इनके बीच में अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखिए अगर इनके बीच में हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3, इधर -1 -2 1 2, इसी प्रकार से आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। अब देखिए इनके बीच अगर ग्राफ, ये बिंदु यहां पर दिखाया जाए, तो 0,0 यहां पर, 1,1 यहां पर, और 2,2 लगभग यहां पर आएगा। तो इनको जब हम लोग मिलाएंगे तो एक देखिए क्या बन रहा है, एक कंटिन्यू ग्राफ बन रहा है, ये किसी भी पॉइंट पर ब्रेक नहीं हुआ है। तो ऐसे फंक्शन को, इस फंक्शन को हम लोग कहेंगे कि कंटिन्यूस फंक्शन है। ऐसे फंक्शन को क्या कहेंगे, कंटिन्यूस फंक्शन है। जैसे हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यहां पर दूसरा एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल नंबर अगर हम लोग 2 की बात करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर है, क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो इसके लिए हम लोग जब ग्राफ खींचेंगे तो यहां पर भी देखिए इसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर किया जा सकता है, और यहां पर अगर देखा जाए तो x और y के बीच में हम लोग यहां पर कुछ वैल्यू प्राप्त करेंगे, जैसे
एक्स वाई, अगर एक्स का की वैल्यू जीरो रखा जाए तो वाई की वैल्यू भी जीरो आएगी, लेकिन अगर एक्स की वैल्यू एक रखा जाए तो वाई की वैल्यू भी कितना आएगा, एक ही आएगा। टू रखने पर कितना आ जाएगा, टू का स्क्वायर होगा फोर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग क्या रख सकते हैं, माइनस वन माइनस टू भी रख सकते हैं। तो यहां पर देखिए, जब माइनस वन रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, और माइनस टू रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा। तो देखिए यहां पर वन, अगर इसके बीच में यहां पर ग्राफ खींचा जाए तो यह ग्राफ देखिए कैसे प्राप्त होगा, कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा ग्राफ। तो यहां पर भी देखिए पूरे ग्राफ में कहीं पर भी क्या पॉइंट ब्रेक हुआ है, कहीं पर भी कोई पॉइंट ब्रेक हुआ है नहीं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। ये भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ये भी फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ऐसे हम लोग फंक्शन को क्या कहते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं, जो किसी विशेष बिंदु के लिए किसी भी पॉइंट पर ब्रेक नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन सिर्फ ऐसे नहीं देता है, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस कभी कभी करता है। देखिए क्वेश्चन में चेंजेस कैसे करेगा देखते हैं हम लोग थोड़ा सा। देखिए कभी कभी आपसे ऐसे कहेगा क्वेश्चन में, फंक्शन कैसे देगा, एफ एक्स यहां पर इस रूप में दे देगा, एक्स आर इक्वल टू जीरो, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, आर इक्वल टू जीरो, पर ये क्या है, वन है। अगर वैल्यू जो होती है एक्स का मान जो है, यहां पर एफ एक्स का मान जो है, एक्स इक्वल टू मतलब एक्स का मान जो है अगर जीरो से बड़ा है या जीरो के बराबर है, तो सदैव वैल्यू कितनी आने वाली है, वाई का मान वन आने वाला है। और अगर एक्स का मान जीरो से कम है, एक्स का मान जीरो से कम है, तो उस सिचुएशन में भी कितना आने वाला है, वन है। तो यह फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि डिसकंटिन्यूस होगा, तो इसके लिए हम लोग दो मेथड यूज करेंगे। अभी सिर्फ हम यहाँ पर ग्राफ के मेथड से समझेंगे, जब हम लोग डिसकंटिन्यूस पढ़ लेंगे तो वहां पर हम लोग जानेंगे कि लिमिट्स के माध्यम से भी हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं। देखिए यहां पर हम लोग ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ खींचने पर ये वन टू थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, और यहां पर वन एंड टू, राइट। तो यहां पर देखिए एक्स की वैल्यू कहां पर जीरो से बड़ा लेना है या बराबर लेना है, तो एक्स की वैल्यू देखिए इस साइड में यहां पर जीरो होगा, इस साइड में जीरो से बड़ा होगा, तो वहां पर वैल्यू वाई का जो वैल्यू आने वाला है वो कितना है, वन है। तो हम लोग यहां से आगे खींच सकते हैं कितना, ऐसे। और जो दूसरा वाला है यहां पर जीरो से कम, जीरो से कम मतलब इस साइड में, तब भी वैल्यू कितनी आने वाली है, वन। तो यहां पर देखिए यहां पर भी अगर फंक्शन देखा जाए इस रूप में, तो कहीं पर ब्रेक नहीं हुआ है, कहीं पर टूटा नहीं हुआ है यह ग्राफ, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह फंक्शन जो दिया गया है यह भी फंक्शन एक प्रकार का कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ठीक है, तो यहां पर हम लोग पहचान जाएंगे कि कंटिन्यूस फंक्शन कौन सा है। आइए बात करते हैं डिसकंटिन्यूस फंक्शन में, कुछ एग्जाम्पल लेंगे तो वहां पर भी समझेंगे। पहले डिसकंटिन्यूस की जो परिभाषा है आप लिख सकते हैं कि किसी फंक्शन का ग्राफ खींचने पर यदि प्राप्त जो वक्र होगा किसी विशेष बिंदु पर, वह वक्र ब्रेक हो जाता है, क्या हो जाता है, टूट जाता है, भंजित हो जाता है, अर्थात हमें उस वक्र को बनाने के लिए पेन उठाने की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग उस बिंदु के लिए क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहते हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे हम लोग समझते हैं कि ये होता कैसे है। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल अगर बात किया जाए कि जैसे मान लेते हैं कि एफ एक्स एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो वन पर, एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू जीरो इज टू। ठीक है, अगर आपको इस प्रकार का कोई फंक्शन दिया गया है, अगर आपको इस प्रकार का कोई फंक्शन दिया गया है, तो हम लोग देखते हैं यहां पर कि देखिए इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने पर देखते हैं थोड़ा सा, देखिए जब ग्राफ बनाएंगे हम लोग यहां पर, जब ग्राफ बनाएंगे तो ये फंक्शन है, यहां पर वैल्यू वन टू थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ऐसा रख सकते हैं।
और यहाँ पर भी वन एंड टू इस प्रकार से वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो रखने के बाद देखिए यह वाई का मान है और ये एक्स की वैल्यू डिनोट करता है। तो एक्स की वैल्यू जीरो से अधिक होने पर या बराबर होने पर मान वाई का कितना आने वाला है, वन आने वाला है, ये फंक्शन कह रहा है। तो यहां पर देखिए जब एक्स की वैल्यू हम लोग एक्स की वैल्यू जीरो से क्या होगी, अधिक होगी या जीरो होगी, तो वैल्यू कितना आने वाला है, वन। इसके लिए अगर जो ग्राफ बनेगा, देखिए एक्स की वैल्यू इस साइड में बढ़ रहा है तो लेकिन वाई का मान कितना है, वन बना हुआ है, तो ये ग्राफ यहां पर बन रहा है। ठीक है, इस फंक्शन के लिए। और इसी प्रकार से जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटा है तो वाई का मान कितना आता है, टू आता है। तो देखिए जीरो से छोटा होने पर, जीरो नहीं, जीरो से छोटा होने पर मान कितना आता है, तो यहां पर हम लोग क्या लगा देते हैं, ऐसे एक सर्कल बना देते हैं जिसे हम लोग नोड कहते हैं। क्या बोलते हैं, एन ओ डी ई, नोड बोलते हैं। अर्थात नोड का मतलब ये होता है कि वह पॉइंट जहां पर ये गोला बना हुआ है वह पॉइंट नहीं लेना होता है, उससे छोटी राशि लेना होता है। जैसे देखिए यहां पर क्या है, टू है, तो ये वैल्यू सीधा जीरो नहीं है, जीरो से छोटा है, मतलब यहां पर ये हो सकता है कितना, माइनस 1.99 समथिंग ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहां से इसका ग्राफ खींचने पर ये सीधा बिल्कुल यहां पर आएगा। तो आप लोग देख रहे हो कि ग्राफ बनाने के लिए हमें बीच में पेन उठाने की आवश्यकता पड़ सकती है, या बीच में हमें पेन उठाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन कहेंगे, जो किसी विशेष पॉइंट जीरो के लिए ये क्या है, डिसकंटीन्यू है। किसी विशेष पॉइंट जीरो के लिए ये क्या है, डिसकंटीन्यू है। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डिसकंटीन्यू फंक्शन कहते हैं, राइट। तो आइए एक एग्जाम्पल और समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है यहां पर देखिए, अब जो है हर बार हम लोग, ये तो जो भी फंक्शन है यहाँ पर बहुत आसान फंक्शन दिए गए, मतलब बहुत ही सरल सरल फंक्शन दिए गए। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में बहुत आपको लेंदी जो है फंक्शन दे देगा, तो वहां पर ग्राफ बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। तो इन चीजों को हम लोग एक दूसरे मेथड जो लिमिट मेथड कहलाता है, लिमिट के माध्यम से समझते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि लिमिट के माध्यम से इसे हम लोग कैसे समझेंगे। तो देखिए लिमिट्स का यूज करके हम लोग अब क्या याद करेंगे, अब हम लोग लिमिट्स का यूज करके कंटिन्यूटी और मतलब कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का पता लगाएंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से पता लगाएंगे। पहले हम लोग ये जानेंगे कि लिमिट्स क्या है। हालांकि क्लास 11th के मैथ में हम लोगों ने सारी चर्चाएं कर रखी हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बस लिमिट्स का इंट्रोड्यूस कराना होगा। तो देखिए लिमिट्स लिखा कैसे जाता है, तो लिखने के लिए आप लोग देखे होंगे कि लिमिट हम लोग लिखते हैं ऐसे, लिमिट एक्स टेंस टू, मान लेते हैं थ्री है, एक्स टेंस टू थ्री, इसका मतलब क्या है। या कभी कभी आपको ये चीज ऐसे भी लिखी लिखा जा सकता है, एल टी एक्स टेंस टू थ्री। तो यहां पर लिमिट लिखें या एल टी लिखें, उसका मतलब क्या होता है, लिमिट ही होता है। यहां पर टेंस का मतलब क्या होता है, टी ई एन डी एस, टेंस टू थ्री, इसका मतलब ये होता है कि यह एग्जैक्ट वैल्यू थ्री नहीं है, यह जो है वैल्यू थ्री से लेस भी हो सकती है और मोर भी हो सकता है, लेस से कम भी वैल्यू हो सकता है और क्या वैल्यू हो सकता है, अधिक भी वैल्यू हो सकता है, किससे, थ्री से। अगर ये वैल्यू यहां पर मान लेते हैं कि x टेंस टू टू है, टू से कम हो सकता है और थ्री से, बहुत ज्यादा कम नहीं, बहुत कम, लगभग ये नियरेस्ट थ्री के बराबर है। जैसे बात किया जाए तो ये वैल्यू जो है लेस होगा तो 2.999 ऐसा हो सकता है, या अधिक होगा तो 3.000001। तो ये लगभग क्या है, टू थ्री के बराबर ही है, ये भी लगभग थ्री के बराबर ही है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू थ्री। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए इसको अगर हम लोग एक ग्राफ पर शो करते हैं, तो यहां पर देखिए अगर देखा जाए ये एग्जैक्ट क्या है, देखिए यहां पर एक ग्राफ हम लोग जो बनाते हैं ऐसे, जीरो होता है, वन होता है, यहां पर जीरो होता है, वन होता है, टू होता है, और यहां पर क्या होता है, थ्री होता है। इस प्रकार का जीरो वन टू एंड थ्री अगर देखा जाए तो 2.99 कहां पर आया होगा, यहां पर आया होगा। ठीक है,
यहां पर इस पॉइंट पर 2.99 आया होगा, ठीक है, और इधर पॉइंट पर 3.00001 आया होगा। तो हम लोग इस साइड को जो 3 से कम होगा, जो क्या होगा 3 से कम होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इस साइड में जो इस साइड में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। इसलिए इस साइड वाले को हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट कहेंगे, अर्थात जिस वैल्यू पर आपको कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक करना होता है उससे थोड़ी सी वैल्यू कम को हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं। और थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू पर उसे हम लोग क्या कहते हैं, राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। इसको सो कैसे किया जाता है, तो ऐसे लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एक्स टेंस टू थ्री। जैसे यहां पर थ्री वैल्यू लिया गया, एक्स टेंस टू थ्री लेफ्ट हैंड है, तो यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस सिंबल शो करेंगे, यहां पर माइनस सिंबल शो करेंगे, और जो फंक्शन होगा उस फंक्शन को यहां पर हम लोग क्या कर देते हैं, शो कर देते हैं। तो ये अभी आप देखिए क्वेश्चन लगाएंगे, लगाते समय लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को किस अनुसार रखा जाता है उसको हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड जब लिमिट लिखेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू थ्री या फोर होगा तो फोर, फाइव होगा तो फाइव, जो भी होगा यहाँ पर रखेंगे, और वहां पर लेफ्ट हैंड में जा रहे हैं इसलिए यहाँ पर क्या दिखाएंगे, माइनस सिंबल। माइनस सिंबल दिखाने से ये पता हो जाता है कि वैल्यू थोड़ी सी क्या है, कम है। और इसी प्रकार से जब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो राइट हैंड लिमिट इक्वल टू बात करेंगे राइट हैंड लिमिट के लिए, तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग बात जब करते हैं तो यहाँ पे इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू थ्री प्लस जो फंक्शन होगा उसे लिख दिया जाता है फंक्शन के लिए। तो हम लोग यहाँ पर राइट हैंड लिमिट और जो है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जान चुके हैं। कैसे, बहुत बेसिक सी बात है कि लिमिट क्या होता है, हमने लिमिट को जाना, टेंस टू का मतलब क्या होता है, तो उससे जाना, और हमने देखा कि लेफ्ट हैंड में वैल्यू कम होती है इसलिए माइनस सिंबल लगाते हैं, और राइट हैंड में वैल्यू क्या होती है, प्लस होता है, वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है इसलिए यहाँ पर प्लस का सिंबल लगाते हैं। आई होप आपको ये लिमिट्स की वैल्यू मतलब क्लियर हो गया होगा। अब देखिए फंक्शन के लिए दो एक बात आपको बहुत जानना जरूरी है, वो चीज जानना क्या जरूरी है उसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। देखिए कंटिन्यूअस के लिए जरूरी ये है, कंटिन्यूअस के लिए जरूरी ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन का मान जो है, फंक्शन की वैल्यू जो है वो तीनों आपस में बराबर होंगे, तीनों आपस में बराबर होंगे तो कह देंगे तब फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, राइट। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर जो है डिसकंटिन्यूटी के लिए, अब देखिए इन्हीं में राइट हैंड लिमिट इक्वल टू या डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डज नॉट, देखिए ये हो सकता है कि ये दोनों बराबर हों, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन क्या हो आपस में बराबर हो, बट लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में बराबर ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर हो और फंक्शन क्या हो, डज नॉट इक्वल टू इसके बराबर हो। इन तीनों में से कोई एक अगर मतलब डज नॉट इक्वल टू होगा, बराबर नहीं होगा, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो यहां पर देखिए हमको क्या करना है, मेनली यही चीज चेक करना होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट पर वैल्यू क्या आ रही है, राइट हैंड लिमिट पर वैल्यू क्या आ रही है। फिर उसके बाद ये हमें चेक करना होगा कि क्या लेफ्ट हैंड लिमिट पर, राइट हैंड लिमिट पर और फंक्शन जो दिया गया है उस पर जो है ये वैल्यू बिल्कुल फिक्स सही है
कि नहीं, अगर तीनों आपस में बराबर हो जाता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। अगर तीनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, इनमें से कोई एक क्या होता है, डज नॉट इक्वल टू होता है, अर्थात बराबर नहीं होता है, तो फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। तो देखिए इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो एग्जाम्पल करने के बाद आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल क्या, दोनों पर हम लोग देखेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कैसे है और कंटिन्यूअस कैसे है। तो आइए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए एक फंक्शन लेंगे, दोनों में से थोड़ा सा चेंजेस करेंगे तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा, और थोड़ा सा चेंजेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो पहले हम लोग कंटिन्यूटी को चेक करते हैं, फिर डिसकंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो देखिए जो फंक्शन हम लोग यहाँ पर मान रहे हैं एफएक्स, यहां पर ये फंक्शन जो होगा, जो फंक्शन होगा 1, और यहां पर भी यह फंक्शन क्या है, 1 है, राइट। तो देखिए यहां पर हम लोग बात करेंगे, देखिए 0 और 0 है, तो इसका मतलब है कि वह जो है विशेष बिंदु 0 ही है जिस पर हमको क्या करना है, फंक्शन चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, राइट। तो यहां पर देखिए x इक्वल टू 0 पर फंक्शन को चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो आप देखिए 0 से, अगर 0 पर आपको चेक करना होगा तो आप 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेंगे और थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेंगे। तो यहां पर देखिए हम लोग चेक कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड जब लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपको बताया गया है हम लोग क्या करते हैं, माइनस का सिंबल को यूज करते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालने के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, माइनस सिंबल यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, माइनस सिंबल यूज करेंगे, और जो फंक्शन आएगा यहां पर लिख देंगे। अभी हमको पता नहीं कि कौन सा फंक्शन आएगा, इन दोनों में से कोई भी एक फंक्शन आ सकता है। तो देखिए अब बात आती है कि माइनस सिंबल यूज किया जा रहा है, इसका मतलब है कि वह वैल्यू लेना है, इसका मतलब है कि वह वैल्यू लेना है जो 0 से छोटा होगा, जो 0 से क्या होगा, छोटा होगा। तो 0 से छोटा कौन सा है, ये तो 0 से बड़ा होने पर यह वैल्यू लेना है, x का मान जो है 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 0 से छोटा होने पर कौन सी वैल्यू लेना है, अर्थात fx का मान कौन है, 1 है। तो हम लोग यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लिख सकते हैं क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू यहां पर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आगे हम लोग बात करेंगे लिमिट लेने पर, लिमिट लेने पर जब लिमिट लेंगे तो यहां पर कोई वैल्यू, अगर वेरिएबल x होता तो x की वैल्यू हम लोग 0 रखकर सॉल्व करते, यहां पर कोई वेरिएबल वैल्यू नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। इसी प्रकार से हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए देखिए राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो उस सिचुएशन में देखिए उसे हम लोग बराबर लिखेंगे, लिमिट क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हमने प्लस माइनस सिंबल यूज किया था, राइट में थोड़ा सा बढ़ेंगे 0 से, यहां पर किसका सिंबल यूज करेंगे, प्लस का, और जो फंक्शन होगा यहां पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। फंक्शन हम लोग बाद में देखते हैं कौन सा होगा। अब देखिए प्लस लगाने के बाद वैल्यू वही हमको लेना है जो एक्स का मान 0 से बड़ा होगा, एक्स का मान 0 से बड़ा होने पर फंक्शन क्या है, 1 है। तो यहां पर देखते हैं तो लिमिट x टेंस टू प्लस पर ये क्या है, फंक्शन 1 है, फंक्शन क्या है, 1 है। तो यहां पर हम लोग लिमिट लेने पर क्या लेने पर, लिमिट लेने पर जब लिमिट लेंगे तो लिमिट लेने पर वेरिएबल वैल्यू कोई नहीं है तो यहां पर 1 ही हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट का मान भी कितना आ गया, राइट हैंड लिमिट का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पर अभी हमको एक बात और पता करना है, एफएक्स पर, अर्थात जिस वैल्यू पर हमको पता करना है 0 पर, एफ 0 पर, अर्थात एग्जैक्ट एक्स की वैल्यू कितना लेंगे, 0 लेंगे तो मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो अब देखिए यहां पर सारी चीजें लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं, राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं और एफ 0 देख लेते हैं। यहां पर देखिए राइट हैंड लिमिट या पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे लिख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ एक्स, अर्थात एफ 0 का मान भी कितना है, 1 है। तो ये सारी चीजें क्या है, तीनों आपस में बराबर है, इसे हम लोग एफ 0 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। बराबर होने की कंडीशन में हम लोग इस बात को कह पाएंगे कि
कि यह क्या है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। इस आधार पर फंक्शन इज क्या है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा चेंजेज करेंगे, इस क्वेश्चन में क्या कहेंगे, थोड़ा सा चेंजेज करेंगे और देखिएगा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कैसे हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन यही है हमारा एफ एक्स वन, एक्स की वैल्यू कहां पर लेना है, ग्रेटर देन, किस पर लेना है, ग्रेटर देन आर इक्वल, अभी तो क्वेश्चन वही है सेम। यहां पर अगर हम लोग टू करते हैं, क्या करते हैं, टू करते हैं, देखिए सारा का सारा क्वेश्चन वही है, सिर्फ हमने यहाँ पर टू किया था। अब देखिए यहाँ पर ये चेंजेस कैसे होगा, तो हम लोग पहले निकालेंगे क्या, यहाँ पर दोनों पर जीरो जीरो है तो हमको वैल्यू कहाँ पर ज्ञात करना है, तो जीरो पर ज्ञात करना है। जीरो पर ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखिए करेंगे क्या, यही बात करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये क्या है, हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो जीरो से थोड़ी सी छोटी वैल्यू लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन हमें कौन सा पता होगा, जीरो से छोटा होने पर फंक्शन क्या आ रहा है, टू आ रहा है। जीरो से छोटा होने पर एक्स का मान अगर जीरो से छोटा लेते हैं तो फंक्शन क्या आ रहा है, टू आ रहा है। इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू कितना आएगा, टू आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, टू आ जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग राइट हैंड लिमिट की वैल्यू देखते हैं, राइट हैंड लिमिट पर देखते हैं, राइट हैंड लिमिट पर इसको लिखेंगे कहते हैं लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, क्या कर देंगे, जीरो से मतलब जीरो से थोड़ी सी बड़ी संख्या, तो जीरो से थोड़ी सी बड़ी देखिए अगर देखा जाए तो जीरो के बराबर है या जीरो से अगर एक्स का मान बड़ा है तो कितना लेना है, वन लेना है। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर फंक्शन जो आएगा वो वन ही आ जाएगा, या हम लोग इसको फंक्शन लिख सकते हैं। और इस सिचुएशन में जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आएगी, राइट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो देखिए और जो एफ जीरो का मान आएगा, एफ इक्वल टू जीरो पर फंक्शन क्या आ जाएगा, तीनों हम लोगों ने यहाँ पर भी राइट हैंड लिमिट निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला और फंक्शन की वैल्यू निकाले, तो तीनों आपस में बराबर नहीं है। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड लिमिट और यहाँ पर देखिए राइट हैंड लिमिट और बराबर क्या है, ये एफ जीरो, ये दोनों आपस में बराबर है, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर नहीं है। क्यों, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू टू है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू वन है, इसलिए ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज में करेंगे। आज के टॉपिक में हम लोग सिर्फ इतनी बातें डिस्कस करने वाले थे कि जो इस चैप्टर से यहाँ पर बहुत सारे जो रूल्स सीखने थे हम लोगों को, फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, डिसकंटिन्यूअस कब होता है, लिमिट्स क्या है, लिमिट्स का यूज करके कैसे हमको पता करना होगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये रूल्स थे, इसके कुछ रूल्स अभी आपके बाकी हैं, जैसे अलजेब्रिक जो होते हैं कि फंक्शन अलग अलग, इस बिंदु पर ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस है और इसी बिंदु पर ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर उनको जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए तो वो भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, उसे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही, हम लोग अगले लेक्चर में वो रूल्स देखने के बाद जो है क्वेश्चन की जो है स्टार्टिंग करेंगे, मतलब क्वेश्चन को लगाएंगे। और हाँ एक बात हो कि हम लोग जो भी क्वेश्चन प्रिफर करेंगे वो मनोहर रे बुक से प्रिफर करेंगे, मनोहर रे डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जो है राइटर्स की बुक है उससे, प्लस में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन भी रहेंगे और डॉक्टर हर्षरूप शर्मा के क्वेश्चन भी सारे मिक्स रहेंगे। तो यहाँ पर आपको यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है, सारे जो है क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगे तो वीडियो को मतलब इस लाइक जरूर करिएगा, और जो भी दिक्कतें हों, जो भी क्वेश्चन आपको मतलब जो भी क्वेश्चन डाउट्स हों उसे आप कमेंट सेशन में जरूर पूछ सकते हैं, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।